गुड न्यूज ये है कि आज यानी कि 6th of May 2024 को रिजल्ट बहुत जबरदस्त होगा दोस्तों। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 2024 का। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही जबरदस्त गुड न्यूज निकल कर आई है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और उसको सुन के आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। रिजल्ट कब आएगा वो तो आपको पता चलेगा इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों गुड न्यूज बहुत जबरदस्त है ना। पहली बार आ रहे हो हसदी पढ़ाई पर तो सब्सक्राइब कर लो, 1,00,000 रुपए कर लो। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो आप लोग बस इसी चीज में कंफ्यूज हो कि रिजल्ट कब आएगा। सीबीएसई ने ऑफिशियल कुछ नहीं बोला है, लेकिन सीबीएसई की जो वेबसाइट है वहां पर अभी भी यही चीज दिखाया जा रहा है कि 20 मई के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन दोस्तों रिजल्ट आपका पहले भी डिक्लेयर हो सकता है, कल यानी कि 5 मई को नीट का एग्जाम हो चुका है और गुड न्यूज़ आपको बताऊंगा एक अभी, ठीक है। और अब बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि क्लास 10th 12th सीबीएसई वालों का भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन वेबसाइट पर यही दिख रहा है कि 20 मई के बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है। गुड न्यूज़ दोस्तों सुनना ध्यान से, रिजल्ट कब आएगा आपका? देखो हो सकता है अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाए। क्यों? ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप सर्कुलर देख रहे हो, ठीक है, मैंने कल वीडियो में दिखाया था, जो डिजी लॉकर अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्सेस कोड चाहिए होता है वो सभी स्कूल में भेज दिया गया है। तो आप डिजी लॉकर का अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा इंस्टेंटली आप मार्कशीट वगैरह अपना डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों बड़ी चीज़ क्या है, ये जो एक्सेस कोड है पिछली साल यानी कि 2023 में ये भेजा गया था 10 मई को, ठीक है, और 12 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। तो इस बार ये कितनी तारीख को भेजा गया, जितनी को भेजा गया है, ठीक है, तो अभी रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ सकता है ऐसा लग रहा है। लेकिन दोस्तों गुड न्यूज़ क्या है, अभी रिजल्ट कब आएगा क्लियर हो सकता है अभी 2-4 दिन के अंदर आ जाए, नहीं तो फिर 20 मई के बाद आ सकता है रिजल्ट, कभी भी आए दोस्तों। लेकिन बड़ी गुड न्यूज़ क्या है, और रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा दोस्तों, उसका रीज़न है, देखो CISCE ये जो बोर्ड है इसने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया आज 11 बजे, ठीक है। CISCE ये जो बोर्ड है, आप बोल सकते हो CBSE जैसे ही बोर्ड है, इसने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया क्लास 10th एंड 12th। और दोस्तों गुड न्यूज़ क्या है, यहाँ से पहली चीज़ ये है, इनने रिजल्ट डिक्लेयर किया, ठीक है। अब CBSE वाले देखेंगे कि भाई इनने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, हमें भी जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना है, होता है ना ऐसा, अरे उसने कर दिया हमें भी करना है यार, ठीक है। तो CBSE वाले भी बहुत जल्द रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, गुड न्यूज़ सुनो गाइस, गुड न्यूज़ सुनो, जिसको सुन के आप खुश हो जाएंगे। तो गुड न्यूज़ ये है कि आज यानी कि 6th of May 2024 को जो CISCE ने अपना बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए। अगर क्लास 12th की बात करी जाए, ठीक है, तो ये जो ईयर है 2024, अभी जो रिजल्ट आया इसमें पता कितने स्टूडेंट पास हुए, लगभग 98.19% स्टूडेंट पास हुए क्लास 12th में। वहीं अगर क्लास 10th वालों की बात करिए, आप गुड न्यूज़ क्या है गाइस, वो बहुत ध्यान से देखना, तो भैया 10th में आप मानोगे नहीं 99.47% स्टूडेंट्स पास हुए, देख रहे हो गाइस, लगभग 100% बोल सकते हैं, कुछ ही कम, इतने सारे स्टूडेंट्स पास हुए CISCE बोर्ड में। तो दोस्तों यहाँ से आपके लिए गुड न्यूज़ दो हैं। सबसे पहली चीज़, CISCE बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अब CBSE वालों को भी लगेगा यार जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना है, इन्हें कर दिया यार, अपना भी जल्दी से जल्दी रिजल्ट को डिक्लेयर करना है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है, ये जो पासिंग परसेंट देख रहे हो ना, अब CISCE बोर्ड का ये जो पासिंग परसेंट ये बहुत अच्छा है। अगर पिछले साल की बात करी जाए 2023 की, तो क्लास 12th में पास हुए थे 2023 में 96.93% स्टूडेंट, मतलब लगभग 2% स्टूडेंट ज़्यादा पास हुए इस बार, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो देख सकते हैं पासिंग परसेंट बढ़ा है भाई साहब। क्लास 10th की बात करी जाए, तो क्लास 10th में 2023 के अंदर 98.94% स्टूडेंट पास हुए थे, तो यहाँ पे भी लगभग बढ़ा है, देखो 98 से 99 पहुँचा, मतलब पासिंग का जो रेट है वो बढ़ गया भाई साहब। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए, मतलब CISCE बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है, पासिंग स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ गया इस बार। तो दोस्तों यहाँ पर जब CISCE बोर्ड का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया, तो डेफिनेटली अपना जो CBSE बोर्ड है वो भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि CBSE वालों को भी जवाब देना पड़ता है कि अगर रिजल्ट कम आता है, कम स्टूडेंट पास होते हैं थोड़ा सा, तो भैया क्यों कम हुए क्यों ज़्यादा हुए, तो भैया बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, CISCE बोर्ड का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, इसीलिए भैया CBSE का भी रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, देखते हैं CBSE में कितने परसेंट स्टूडेंट पास होते हैं, कितने स्टूडेंट्स फेल होते हैं, रिजल्ट बहुत जबरदस्त होगा दोस्तों, क्योंकि CISCE बोर्ड का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो CBSE वाले भी पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपना रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट दें, ठीक है, वरना
अगर रिजल्ट कम आया, कम स्टूडेंट पास हुए, तो भैया फिर जवाब तो सीबीएसई वालों को भी देना पड़ता है। तो रिजल्ट भैया बेस्ट से बेस्ट आएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल चिल रहना है, रिलैक्स रहना है। रिजल्ट आपका देखो कभी भी आ सकता है, ठीक है। देखो सीआईएससी बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अब सीबीएसई वालों को भी भैया जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना है। बोल रहे हैं कि 20 मई के बाद आएगा, लेकिन हमें लग रहा है कि रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो सकता है, कभी भी हो सकता है। देखो सीबीएसई वाले सरप्राइज देते हैं, दिस इज द रियलिटी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा क्लास 12 का रिजल्ट पता कब आया था? सुबह में ना रहा था तब रिजल्ट आया था। मैं शौक हो गया, मतलब कहीं से कुछ न्यूज़ व्यूज़ भी नहीं मिली और एकदम से रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे भी दोस्तों बोला जरूर गया है कि 20 मई के बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन पहले भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि भैया सीआईएससी बोर्ड का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आया, और इसके लिए हमें खुश होना चाहिए, हमारा भी रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आपको कैसा लग रहा है सीआईएससी बोर्ड का रिजल्ट को देखकर, नीचे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।